हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, शाम हो चुकी है, आज थोड़ी देर हो गई वीडियो बनाने में। तो देख सकते हो इधर गुड़हल के अच्छे से फूल खिल रहे हैं और इधर भी। तो आज हम बात करेंगे नीलकंठ के पौधे के बारे में, जिसे धनवर्जिया भी बोलते हैं। और ये मेरा हिमेलिया का पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसी के पीछे मैंने नीलकंठ का पौधा भी लगाया है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसकी कटिंग भी मैं लगा के दिखाऊंगी और अपडेट भी दूंगी जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी उसके बारे में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कितने अच्छे से बढ़ चुका है और इसके फ्लावर पर्पल कलर के आते हैं इस तरह से। और ये 12 महीने फूल देने वाला पौधा है और बहुत ही कम केयर में सालों साल फूल देने वाला पौधा है ये। तो आप देख सकते हो इस पॉली बैग में मैंने जो चावल की बोरी होती है उसमें लगा के रखा है। तो आप चाहो तो इसे वाइन की तरह भी लगा सकते हो, और आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आप इसे भूसी भी बना सकते हो कटिंग करके। पर ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़मीन में लगाओगे तो फिर इसे देखना ही नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसे गमले में लगाते हो तो पानी का ध्यान रखना होता है, इसे मिट्टी सूखने पर पानी देना पड़ता है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है। और इसे धूप की ज़रूरत होती है, जब आप इसे धूप में रखोगे तभी इसमें कलियाँ अच्छे से बनती है और ढेरों फूल इसमें खिलते हैं। जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने कटिंग भी लगाई थी, बस आपको छोटी सी स्टेप लेनी है और मिट्टी में अगर आप दबा दोगे तो भी आपका पौधा तैयार हो जाता है। ये मेरा पौधा कटिंग से ही बना हुआ है, मैंने कटिंग लाई थी और लगा के रख दी थी, पर मैंने इसे धूप में नहीं निकाला था तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुई थी और फ्लावरिंग भी। तो जब मैंने इसे धूप में रखा तब से आप देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। अभी शाम का वक्त है तो फ्लावर सूख चुके हैं, गिर चुके हैं नीचे। तो आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा और आपको कहीं भी ये मिल जाएगा, आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है ये। और इसे खाद वगैरह डालने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप जब लगाओगे तब। तो हम सभी गार्डनर, जैसे कि ये किचन वेस्ट या वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद तो डालते ही है पौधा लगाने के वक्त। उसके बाद आप नहीं भी डालोगे इसमें कुछ तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए ग्रो बैग भी मेरी थोड़ी सी फट चुकी है, तो और दूसरे पॉली बैग लगानी पड़ेगी इसमें। तो इस तरह से ये पूरा वाइन की तरह बढ़ चुका है। आप चाहो तो अच्छे से तार वार लगा के इसे शेप दे सकते हो गेट की तरह, और अगर आप चाहो तो इसे गेट में भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए इतनी सी स्टेप मैंने ली है और इसे मैं मिट्टी में दबा दूंगी तो ये चल जाएगा। तो मैंने जो पहले जो लगाई थी वो वाले कटिंग मैंने फरवरी में लगाई थी दूसरे पौधे के साथ, तो वो भी चल गई है। तो इस तरह से आपको लगा देनी है बहुत अच्छे से और बहुत तेज ग्रो हो जाता है ये पौधा, कटिंग भी इसकी। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं।